कमाल का फंडा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कमाल की बातें, कमाल की चीज़ें, कमाल की जगह, कमाल के व्यक्तियों से रूबरू कराते रहते हैं। तो आज का ब्लॉग कुछ खास होने जा रहा है, मैं बता दूं। अभी फ़िलहाल मैं उपस्थित हूं नवाब थिएटर के कैंपस में और यहां पे अभी जस्ट एमएक्स प्लेयर पर एक फिल्म रिलीज हुई है उपन्यास, जो कि यहाँ के कुछ कलाकारों उसमें काम किए हुए हैं, जैसे शंकुदा हैं, अविनाश तिवारी जी हैं, संजीव भैया हैं, और ये रिलीज हुई है और यहाँ के दर्शकों में उस मूवी को देखने का जिज्ञासा ऐसा उत्पन्न हुआ कि वे थिएटर, क्योंकि पलामू में थिएटर था पहले लेकिन अभी फ़िलहाल वे ध्वस्त हो गया, तो इन्होंने अपने यहाँ प्रोजेक्टर पर उस मूवी को देखने का काम किया है। तो और साथ में उपस्थित हैं अविनाश सर और उनसे मैं दो शब्द जानने का प्रयास करूंगा, तो आइए उनसे रूबरू कराते हैं। तो आप कंटिन्यू ब्लॉग पर बने रहिएगा। हुआ था और यहाँ पे हमारे सभी जितने भी दर्शक हैं इस मूवी को जो वॉच किए हैं, ये देखिए, और यहाँ पे गुड्डू जी हैं और मनीष जी चाय का चुस्की ले रहे हैं। ठंड है, ठंड के से रिलेटेड मैं बता दूं, मेरा भी लुक वाइज वैसा नहीं आ रहा होगा, जान है तो जान है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्वेटर टोपी का यूज मैंने किया हूं। तो हमारे अदनान भाई भी हैं जो कि नवाब थिएटर से निकले हुए हैं और यहाँ पे जो फिल्म अभी हाल ही में रिलीज हुई थी, ये क्या बोलते हैं, उपन्यास, उसका बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं देखिएगा चाय का अदनान जी है, अदनान जी, तो अदनान जी दो शब्द रखें। हम लोग को फिल्म बहुत अच्छी लगी जी और हम लोग इंजॉय किए काफ़ी जी। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद के पात्र हैं मिस्टर राहुल शुक्ला सर जी, और उन्होंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है उपन्यास, जो हम लोग अभी प्रोजेक्टर के माध्यम से देखें इमेज प्लेयर पर, और बहुत अच्छा लगा, हम लोगों को मूवी बहुत पसंद आई। साथ ही हमारे बहुत बड़े पलामू परमंडल के एडिटर मनीष जी भी मौजूद है, वो भी दो शब्द रखें। उपन्यास फिल्म एमएस प्लेयर पर रिलीज हुई, हम लोगों ने इसे प्रोजेक्टर के तहत देखा और बहुत अच्छी मूवी लगी, और प्रोजेक्टर पर देखने का आनंद हमें बहुत मजा आया, देखकर लगा कि हम थिएटर में बैठे हुए हैं। और राहुल कुमार शुक्ला जी से मैं यही अनुरोध करूंगा कि ऐसे ही फिल्में हमारे डाल्टनगंज को, पलामूवासियों को देते रहें और यहाँ के कलाकारों को काम करने का मौका मिलते रहे। साथ में एक ये आंचल गुप्ता जी हैं जो कि क्लाउड वेव म्यूजिक, सॉरी, क्लाउड वेव इंडिया का रिपोर्टर हैं, तो उनसे भी मैं जानने का प्रयास करूंगा क्योंकि वे यहाँ आए थे कलाकारों का बाइट लेने। तो दो शब्द रखिए आंचल जी। जी, ये फिल्म उपन्यास बहुत अच्छी फिल्म है, इस फिल्म के निर्देशक राहुल कुमार शुक्ला, वो बहुत अच्छे फिल्म बनाए हैं किसी के साथ। चलिए, हमारे चैनल पर आप जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच ये जो कि कैमरा को डील कर रहे हैं क्लाउड वेव इंडिया का, ये अनुराग पांडे जी, जो कि दो शब्द ये भी रखेंगे। अनुराग जी, मैंने ये मूवी इमेक्स प्लेयर पे डाउनलोड करके देखा था, मुझे मूवी बहुत ही अच्छा लगा और ये अविनाश सर का जो रोल है बहुत ही सराहनीय है। और सबसे मैं लास्ट में आप सबों को रूबरू कराऊंगा अविनाश तिवारी जी से, जो कि इनका इस मूवी में एकदम जबरदस्त कैरेक्टर है। तो अविनाश सर, आप इस मूवी के बारे में बताएं सर। इस मूवी के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन संक्षिप्त में बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं जी। ये सौभाग्य रहा है मेरा कि शहर के जाने माने महारत हासिल किए हुए अभिनय के क्षेत्र में संजीव सिंह उर्फ गुड्डन सिंह ने हमेशा मेरे बारे में, सबों के बारे में सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल मेरे बारे में सोचते हैं, सबों के बारे में सोचते हैं, लेकिन मेरे बारे में सोचा और उनके मार्फत सावधान इंडिया से लिखे जो हॉट स्टार में उपलब्ध है, वहाँ सीरियल में काम किया, तो अखेट में काम किया, ये उपन्यास में काम किया जो 24 दिसंबर 2022 को एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हुई है फिल्म। तो कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने मेरा नाम सुझाया है हर बार,
और मैं ईश्वरीय कृपा से और सबसे जो ऊर्जा मिलती है बड़े बड़े कलाकारों से, जैसे जैसे सकद्दा हैं, उनसे ऊर्जा मिलती है अभिनय की। बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनसे ऊर्जा ले लेकर के मैं पोषित होते रहता हूं, और उस आधार पर मैं जो कुछ भी कर पाता हूं अपनी क्षमता के अनुसार करने की कोशिश करता हूं। तो ये व्यवस्थाएं बनी और इस फिल्म में मेरी स्वीकारोक्ति के लिए मैं धन्यवाद देता हूं राहुल कुमार शुक्ला जो निर्देशक निर्माता है इस उपन्यास फिल्म के, उन्होंने स्वीकारोक्ति दी मेरे मेरे कैरेक्टर को लेकर के, मेरी भूमिका को लेकर के और मुझे अभिनेता के तौर पर काम करने के लेकर के। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनको, गुड्डन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और वो ऊर्जा जो सकद्दा से मिलती रहती है, और तमाम मासूम आर्ट ग्रुप, इवन मासूम आर्ट ग्रुप के तमाम कलाकार जो ऊर्जावान्वित हैं और कुछ कर गुजरने की तमन्ना से लैस रहते हैं हमेशा, उनसे बहुत ऊर्जा मिलती रहती है। ऐसी संभावनाओं की भूमि पर मैं जब खड़ा होता हूं तो अपने आप को बहुत फलीभूत देखता हूं, और उसी के आधार पर ये कह सकता हूं कि मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी भूमिका में अट जाता हूँ, और उन लोगों की कृपा से, भगवान की कृपा से मैं कर पाता हूँ और मुझे आशीर्वाद मिल पाता है, लोगों का प्यार मिल पाता है, लोगों का समर्थन मिल पाता है। इसके लिए मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ, अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, और सभी को जो भी जिस भी प्रकार से मेरा सहयोगी बनता है उन सबको हृदय से इस अविनाश कुमार तिवारी की ओर से कोटि कोटि साधुवाद है, और उपन्यास को देखने वाले सभी दर्शकों को, उपन्यास को प्यार देने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। और कोरोना काल में यदि मुंबई से शिफ्ट होकर के यहाँ शूटिंग बहुत परसेंटेज रहे हैं शूटिंग के, जो इस फिल्म में यहाँ के भूभाग को दर्शाया गया है, यहाँ के भूभाग पर उस फिल्म की शूटिंग हुई है, तो ये बहुत संयोग रहा है जिसके चलते हम लोगों को काम मिल पाया है, अहो भाग्य बस। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल पर सभी यहाँ के दर्शक सह कलाकार जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी तक आप इस मूवी को वॉच नहीं किए होंगे तो यह मूवी MX प्लेयर पर उपलब्ध है, और हमारा फर्ज बनता है हमारे लोकल जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, तो अगर अभी तक आप इस मूवी को वॉच नहीं किए हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप भी वॉच करें, और आप यहाँ के कलाकारों को आगे बढ़ने में अपना योगदान दें, सपोर्ट करें, और उम्मीद करते हैं यह ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा। तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर मिलता है एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।